500 वर्षों के संघर्ष के बाद, असंख्य बलिदानों के बाद 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास में कभी न भूले जाने वाली तिथि बनने जा रही है, क्योंकि इसी दिन करोड़ों हिंदुओं के सदियों पुराने संकल्प की पूर्ति होने जा रही है। 22 जनवरी के दिन का है विशेष महत्व। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 22 जनवरी को कर्म द्वादशी तिथि है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। भगवान श्री राम विष्णु जी के ही 7वें अवतार हैं, इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस दिन को बेहद शुभ माना जा रहा है। जिस मुहूर्त में हुआ रामलला का जन्म, उसी मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक का समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत शुभ है। इस 1:24 में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 1:24 के इस मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी इसी मुहूर्त को चुना गया है। 22 जनवरी को 3 महान योगों का हो रहा है निर्माण। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी के शुभ दिवस पर एक साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इन योग को बहुत शुभ माना गया है। सभी प्रकार के विघ्नों को पार करके सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब राम मंदिर निर्माण का सपना पूर्ण होने जा रहा है। 22 जनवरी के मंगल दिवस के बाद हिंदू संस्कृति और भारत राष्ट्र के लिए एक नए युग का सूत्रपात होगा, जो एक नवीन विकसित और सशक्त भारत के युग का शंखनाद करेगा। जय श्री राम।